Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. आप सभी दर्शकों का YNDU न्यूज के बॉलीवुड गॉसिप में स्वागत है। आज हम ओपनवे प्रोडक्शन हाउस के सेट पर हैं। हम आपको बता दें कि ओपनवे प्रोडक्शन हाउस बहुत ही कम समय में प्रसिद्ध होने वाला एक प्रोडक्शन हाउस है, जिसने कि बहुत ही कम समय में प्रसिद्ध प्रोडक्शन हाउसों को पिछाड़ते हुए मुंबई में टॉप 10 रैंकिंग में जगह बना लिया है। इस कंपनी की गूगल रेटिंग 4.6 के साथ ट्रेंड कर रही है। ओपन प्रोडक्शन हाउस के सेट पर आज एक वेब सीरीज शूट हो रही है, जिसका नाम मोबाइल माई लव है, जिसमें कि एक सोशल मैसेज भी है। आइए हम मोबाइल माई लव के एक्टर, एक्ट्रेस, कास्टिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड डीओपी से बात करते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मोबाइल माई लव क्या। आपका नाम? अलंकृता सोने। आपको यहाँ पे ओपन वे के साथ में काम करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आता है। आप यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर कर रहे हो? नेहा का। तो नेहा के बारे में बताएंगे क्या आप? नेहा के बस मैं मोबाइल मांगने, पापा दिलाते ही नहीं। ओके, आपके पापा आपको मोबाइल नहीं दिलाते, ये आपका कैरेक्टर है। इसके बारे में और बताएंगे थोड़ा? यहाँ पे मजाक मस्ती कैसा एनवायरनमेंट है यहाँ पे? मतलब मुझे गुस्सा करना है, मेरे को भी मोबाइल दिलाओ। मेरे बड़े भैया और दीदी के पास तो है मोबाइल, मेरे को भी चाहिए। थैंक यू। सोनाली घोष जो की छोटा पैकेट है और लेकिन धमाका बहुत बड़ा है। आइए जानते हैं इनसे कि आपने ये जो सबसे बड़ा जो मेन काम है कास्टिंग का, इसके बारे में जरा बताएंगे। फर्स्टली थैंक यू इतनी तारीफ करने के लिए। एंड हाँ, डिफिकल्ट तो है ये टास्क, बट मजा भी इसमें आता है। जो इतना लंबा प्रोसेस होता है शॉर्टलिस्ट करना, लोगों की कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड करना, उनके रोल के हिसाब से, उनके कैरेक्टर के हिसाब से डिवाइड करना, तो इन सारी चीजों में मजा भी बहुत आता है। इन सब से हमें भी बहुत सारे एक्टर्स नए मिलते हैं, बहुत सारे नए नए लुक्स मिलते हैं, तो इन सारी चीजों में काफी मजा आता है। मतलब कैसा रहा आपको ये जो आपने शूट किया, इसके जो स्टार कास्ट है इसके बारे में बताएंगे ये इस मूवी के? इस मूवी के जो स्टार कास्ट है जिनका नाम सीमा और सागर है कास्टिंग के, तो ये दोनों लीड है हमारे। जो ये फोन टेक्नोलॉजी के बेस्ड एक वेब सीरीज बनी हुई है जो आज की टेक्नोलॉजी पे है, तो इन दोनों ने काफी अच्छा काम किया है इसमें। इनको हमने हालांकि ज्यादा टाइम भी नहीं मिला था इनको प्रैक्टिस वगैरह का, रिहर्सल्स वगैरह का, बट फिर भी इन्होंने काफी बहुत अच्छी मेहनत करी है इसमें, और काफी अच्छा आपको एक नया लुक देखने को मिलेगा इनका, नए तरीके से इनको पेश किया गया है। ऐसे एक बात कहे, आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। हमारे साथ इस वक्त ओपन वे प्रोडक्शन के सचिन तिवारी जी, जो कि ओपन वे के सीईओ हैं। आइए इनसे जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, जो इस पिक्चर के डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। सचिन जी, ये पिक्चर के बारे में, ये जो मोबाइल माई लव है, इसके बारे में बताएंगे। ये एक्चुअली प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ है आज की जो जनरेशन है, ठीक है, सुबह से लेके रात तक, और यहाँ तक कि रात में भी लोग मोबाइल में ही बिजी हैं, सोने का भी उनके पास टाइम नहीं होता है। मीन्स जहाँ तक पहले लोग 6 घंटे सोते थे, आज के टाइम में उसमें भी 3 घंटा मोबाइल को दे चुके हैं रात का भी। और आज की जनरेशन जो है वो सिर्फ मोबाइल मोबाइल मोबाइल, उनका पूरा प्यार मोहब्बत सब कुछ मोबाइल में हो गया है। यहाँ तक कि एक घर में अगर 4 लोग हैं तो वो भी 4 कोने में अलग अलग बैठ के आपस में बात करते हैं। तो जो हमारे राइटर हैं इसमें विनिश वर्मा जी, उन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ बनाइए, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं ऐसे कुछ प्रोजेक्ट लाऊंगा जो एक लोगों में मैसेज दे सके, तो मैंने ये चॉइस किया, ये स्क्रिप्ट, और मैंने बनाया। और आप हमें इसके इस मूवी के कास्टिंग के बारे में बताइए। इसमें जो लीड रोल में है उनका नाम है सीमा, कैरेक्टर का नाम है, और वैसे इसको प्ले किया है काजल मासा जी ने, ठीक है, जो एक कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, और जो इसमें उनके बॉयफ्रेंड हैं वो सागर करके उनका कैरेक्टर नेम है, और रवि मिश्रा नाम है, ठीक है, और उनके मॉम डैड का रोल किया है निम्मी खान और मोहम्मद खान ने, ठीक है। इस तरीके से है, इसमें 7 से 8 कैरेक्टर हैं अच्छे अच्छे, ठीक है, जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं ऑलरेडी, और एक सुमित करके जिन्होंने भाई का रोल किया हुआ है काजल मासा जी के, अहमद नाम है उनका, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे रोल प्ले किए हैं, और आज का उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आपको ये कितने दिन लगा ये प्रोजेक्ट तैयार करने में, कुल कितना समय लगा प्रोजेक्ट तैयार करने, वो भी तैयार करने में? देखिए, हमने सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट जब सोचा था तो हमने सोचा किस तरीके से हम इसे बनाए,
तो सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम ने इस पे काफी रिसर्च किया, लोगों से काफी बातें किया, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने ये हमारे राइटर ने लिखा, लिखने के बाद हमने काफी डिस्कस करने के बाद फिर डायलॉग्स वगैरह पूरा प्रॉपर एक किए। फिर टीम हमारे सारे जो प्रैक्टिकल वर्क हमारे होते हैं शूट के जो होते हैं वो सब हमने डिसाइड किया, डेट डिसाइड किया एंड फिर हमने शूट किया इसलिए। तो कुल कितने दिन में हुआ ये? ये टोटल चले जाते हैं 10 to 15 डे में चले जाते हैं मिनिमम। कास्टिंग वगैरह को आप लेंगे तो 1 month के आसपास का टाइम जाता है। तो अभी शूट तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी इसके बाद हमारा एडिटिंग का काम चालू होगा। जो हमारे एडिटर साहब हैं, जो हमारे DOP साहब हैं, उनका नाम है भानु प्रताप सिंह, ठीक है। वो हमारा पूरा DOP का काम भी वही करते हैं और एडिटिंग भी वही कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे वर्क उनके, काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने मूवी भी एडिटिंग की हुई है और मेरे और भी प्रोजेक्ट उन्होंने एडिट किए हैं और काफ़ी अच्छा वर्क है। उनका नेचर बहुत अच्छा है, हम भाई जैसे हैं। जी सचिन जी, आपने ये बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है जो कि करंट में आज ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, सोशल इश्यू। आपने अवेयरनेस के तौर पे इस पिक्चर को बना रहे, आपकी इस मूवी के लिए हम अभी से प्रार्थना करते हैं कि ये आपको सक्सेस दे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आप इस पिक्चर के बारे में मतलब कब से मेहनत, एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाते हैं। काफी दिन हो गए, 7-8 दिन हो चुके हैं, आज जाके सब हम कंप्लीट हुए हैं। काफी सारे हमने कास्टिंग की, मिसमैच किया, कौन किस चीज के लिए सुटेबल है, क्या रोल है, और एट द टाइम आज जाके शूट खत्म हुआ प्रॉपर हैप्पी एंडिंग में। हमारे साथ इस वक्त DOP और एडिटर, आइए इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? बट एक्सक्यूज मी, बट इनका इंटरव्यू मैं लेना चाहती हूँ। जी सर, ले सकती हूँ ना? यस यस, थैंक यू। जी मेरा नाम भानु प्रताप है। ओके, कहाँ से हो? मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ, बट आपको कैसा लगा यहाँ पे काम करके? मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस फिल्म की जो पूरी टीम थी, एंटायर टीम, कास्टिंग वगैरह, अपने डायरेक्टर सर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर सचिन भाई, जिनको मैं भाई मानता हूँ, बोलता हूँ भाई, बहुत अच्छे आदमी है। और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ काम करके। सारे मतलब जो आर्टिस्ट थे वो बहुत मिलनसार थे और बहुत अच्छी तरीके से शूट हुआ। मतलब वर्कशॉप हुई थी उनकी पहले से, पिछले 1 हफ्ते से काम चल रहा है और बाकायदा अच्छे से शूट हो गया। अच्छा, तो आपको कास्टिंग, स्टाफ सारे कैसे लगे आपके? बहुत अच्छा लगा। फ्रेंडली है कि? हाँ, सारे फ्रेंडली थे और बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, मस्ती मजाक भी चला और सारी चीजें मतलब स्मूथली हो गई। तो आप आगे भी काम करना पसंद करते हैं? डेफिनेटली मैं सचिन भाई के साथ जुड़ा हूँ तो आगे बहुत काम करना है। ओके, आपने पहले भी उनके साथ काम किया हाँ, है? मैं पहले उनके साथ काम कर चुका हूँ एक्चुअली। हाँ, उनका एक प्रोजेक्ट था जो मैंने एडिट किया था। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपका नाम बताएंगे सर? मेरा नाम असद सिद्दीकी। इस वेब सीरीज में आपका क्या रोल है सर, इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल बताएंगे। मेरा नाम, मेरा सुमित का कैरेक्टर था, सुमित एक भाई है लीड एक्ट्रेस का, तो मेरा कैरेक्टर सुमित का था। बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर था, मुझे करते हुए बहुत ही मजा आया। इस ओपन प्रोडक्शन के साथ काम करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और कुछ शेयर करना चाहेंगे आप हमारे साथ, कुछ मोमेंट ऐसा, कोई जी हाँ, वाकया? बहुत ही अच्छा मोमेंट है। यहाँ के क्रू के जितने भी मेंबर्स हैं और जितने भी स्टाफ के मेंबर्स हैं, जितने भी प्रोडक्शन के मेंबर्स हैं, डायरेक्टर सर हमारे, ऑलमोस्ट सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही एकता के साथ काम करते हैं, काम करवाते भी हैं और समझाते भी बहुत ही अच्छे से हैं। कोई भी बात हो मतलब एकदम डीपली बताते हैं, अच्छे से कराते हैं, एकदम प्रॉपर कराते हैं। यहाँ का माहौल, इतना वातावरण इतना अच्छा है, सब लोग एकदम फ्रेंडली, फैमिली की तरह, एक परिवार होता है ना, परिवार की तरह सब मिलजुल कर काम भी करते हैं, एक दूसरे को सजेस्ट भी करते हैं क्या करना है, आपका अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका अच्छा नहीं हो रहा उसको गाइड करते हैं कि आप अच्छा कीजिए और अच्छा कराने की कोशिश करते हैं। जितने भी लोग सभी साथ में काम करते हैं वो सभी लोग बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं। और स्पेशली फॉर हमारे डायरेक्टर सर, मिस्टर सचिन सर, तो वो तो मतलब बहुत अच्छे हैं। और जितने भी हमारे यहाँ के मेंबर्स हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हुआ वो सब, और बाकी के जितने भी स्टाफ के मेंबर्स हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस कैरेक्टर के लिए चुना और मुझे इस लायक समझा। आपका कोई फ्यूचर प्लान है इसके आगे फिर? यस ऑफकोर्स, बिल्कुल है। मुझे एक्टिंग में करियर बनाना है अपना और एक्टिंग करना है और बहुत कुछ सीखना भी है।
थैंक यू।